हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो मैं भी बहुत अच्छी हूँ फ्रेंड्स। तो अभी हो रहा है दिया बाती का टाइम, तो मैं अपने दिया बाती में लगी हूँ। तो इवनिंग की तो रेगुलर की यही रूटीन होती है, पहले दिया बाती से ही स्टार्ट होती है फ्रेंड्स। तो हमारी अब आ गई हूँ मैं किचन में, तो अब सब्जी वगैरह काट करके अब लगूंगी अपने खाने में। तो फ्रेंड्स, आज मैं जो बना रही हूँ आप लोग देख लो। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अपना अभी सब्जी की कटिंग हो रही है हमारी, और आप लोग घूंघट देख के सोच रहे होंगे क्यों इतना आँचल ओढ़ रखा है। तो हमारे आए हैं अभी पापा जी, तो इसीलिए थोड़ा तो लेना पड़ता है ना। तो फ्रेंड्स वैसा नहीं है, वो बिल्कुल ही मतलब उस टाइप का हमारे यहाँ घूंघट वगैरह का चलन नहीं है, पर एक अपना है, अपना रिस्पेक्ट करो वो ज़्यादा अच्छा रहता है ना। तो यही है। तो फ्रेंड्स, तो मैं अपनी सब्जी काट ले रही हूँ फटाफट से। तो आज बनेगी आलू परवल, आलू परवल की सब्जी बनेगी फ्रेंड्स, रोटी बनेगी, और देखिए क्या बनता है। तो जो बनेगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो हमारे रेगुलर की रात की यही रूटीन होती है। तो अभी अगर हस्बैंड भी आते हैं तो मैं भी ही सब्जी वगैरह काटने लगती हूँ, क्योंकि वो भी आते हैं ऑफिस से, तो उन्हें भी मतलब आएंगे, चेंज वेंज करते हैं, फ्रेश वगैरह होके थोड़ा सा मतलब रेस्ट करते हैं। और हमारे यहाँ चाय वगैरह की किसी की आदत नहीं है, जैसे कि मेरे हस्बैंड भी नहीं पीते और मैं भी नहीं पीती। जब वो नहीं पीते तो मेरी भी आदत नहीं है वैसे चाय की, तो चाय वगैरह मैं नहीं बनाती हूँ। और मैं अब लगूँगी अपने खाने में। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग इसे प्यार सपोर्ट देना और अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करना फ्रेंड्स। तो मैं आप लोगों से यही बोलूँगी। तो और फ्रेंड्स देखिए, हम आ गए हैं अपने गैस के पास। तो कुकर को रख दिया है मैंने गैस पे, गैस ऑन हो चुकी है और मैं फ़ौरन डाल रही हूँ और फिर अपनी सब्जी डालूँगी। और इधर मेरे खाना बन रहा है, तब तक फिर इधर मेरा आप लोगों को मैं यही दिखाना चाहती हूँ कि मेरी रेगुलर की रूटीन जो होती है ना फ्रेंड्स, इसी यही होती है। मतलब सुबह का तो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ का होता है, शाम में थोड़ी तो थोड़ा राहत होता है। तो अगर तैयारी वगैरह पहले से करके रखती हूँ तो बहुत आसानी होती है फ्रेंड्स। कभी तो मैं, जैसे कि हम हस्बैंड वाइफ रहते हैं, तो 8 ही बजे हमारे सारे काम ख़त्म हो जाते हैं, सारा खाना वाना खिला करके मैं निश्चिंत हो जाती हूँ। और अगर जैसे कोई आए तो थोड़ा काम बढ़ जाता है, वैसे किसी क्या होता है, थोड़ा कोई आता है तो रूटीन थोड़ा चेंज हो जाता है, तो इसी के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो थोड़ा सा रूटीन तो चेंज होता ही है, हर किसी का है, हर हाउसवाइफ के साथ होगा, एक मेरे ही साथ नहीं है फ्रेंड्स। तो देखिए, अभी बाबा के साथ पोती लगी हुई हैं, तो दादाजी के साथ खेल रही हैं, वो नर्स बनी है और दादाजी पेशेंट हैं। और अभी इलाज चल रही है। प्रिसु देखिए, रूम पूरा कैसा फैला रखी है, चेयर वगैरह सब गिरा के कितना भी समेटती हूँ, मेरा यही हालत का यही हालत हो जाता है फ्रेंड्स। और इनका यही काम है, पूरा दिन सिर्फ बदमाशी करती रहती हैं। तो फ्रेंड्स यही देख लीजिए आप। अभी मैं वॉइस रिकवर कर रही हूँ ना, तो क्या कर रही है, मेरे ऊपर बालू डाल रही है। तो फ्रेंड्स यही है। तो देखिए, एक साइड हमारी सेवई बन रही है और रोटी बन रही है, सब्जी तो मैं बना चुकी हूँ, आप लोगों ने देखा कि मैं सब्जी बना चुकी हूँ और रोटी बन रही है। तो रोटी भी ऑलमोस्ट हमारी कंप्लीट हो गई फ्रेंड्स। अब मैं किचन की करूँगी इस क्लीनिंग, और कितना भी लेट हो जाए ना फ्रेंड्स, तो किचन की मैं क्लीनिंग कर ही के सोती हूँ। कितना भी मतलब लेट हो जाए, कभी ही रेयर केस ऐसा आता है फ्रेंड्स कि मैं अपना किचन नहीं सह। देखिए, हमारे हस्बैंड जी आ गए हैं, तो आ गए तो आते ही किचन में आ गए। तो मैं अभी कर रही थी मतलब अपना सूट कर रही थी, तो बीच में आ गए तो मैं ऑफ कर दी, उनको लगा कि ये, और कह रहे थे कि हमेशा तो कैमरा ही ऑन की हुई रहती है, कब इसका मतलब शूटिंग कभी भी इसका ख़त्म नहीं होता है, कभी भी इसका रिकॉर्डिंग चालू ही होता है। तो हमारे हस्बैंड जी आ गए थे फ्रेंड्स, तो फिर भी मेरा काम है तो मुझे तो करना ही है ना फ्रेंड्स। तो यही है,
तो देखिए हम किचन की सारी सफाई कर चुके हैं, सब हटा हटा के दो तीन बार करके गैस को पोंछ लूँगी, क्योंकि गैस और स्लैब का एरिया में दो तीन बार कभी भी मॉर्निंग हो, चाहे आपका इवनिंग का रूटीन हो, नाइट का हो, जो भी हो, जब भी मैं बनाती हूँ, मेरा काम है, मैं एक कपड़ा उठाती हूँ, अपना किचन को पूरा साफ़ कर देती हूँ। मतलब गंदा कभी भी मुझे नहीं पसंद है फ्रेंड्स, उठाती हूँ और डायरेक्ट लग जाती हूँ। और अगर लगे हाथ कर दिया जाए ना डब्बे वगैरह के, और ये अपने चूल्हे वगैरह को सब कुछ क्लीन कर दीजिएगा, तो एकदम निश्चिंत, और सुबह में उठेंगे ना फ्रेंड्स तो इतनी फ्रेश फील होती है, क्योंकि हमारा किचन तो एकदम साफ होता है और सुबह की ही रूटीन में लगना होता है, तो मैं सुबह के रूटीन में एकदम फटाक से लग जाती हूँ, अपना सारा बर्तन वगैरह सब क्लीन होता है, तो अपना हम फटाफट लग जाते हैं अपना काम में। तो यही है हमारी रूटीन, ऐसी ही कुछ चलती है फ्रेंड्स। अब तो हमारा आसियाना यहाँ से उजड़ने वाला है, बहुत जल्द ये भी वीडियो जाएगा फ्रेंड्स, पर घर तो घर है ना, कहीं भी रहिए तो घर में मन लग जाता है, और कहीं भी याद इंसान रहता है, कहते हैं कि पेड़ के नीचे भी रहता है तो उसको भी क्लीन करता है, तो यही है हमारे साथ, कुछ ऐसा ही है। और देखिए बहुत कम ही ऐसी होंगी जो नहीं कह, लेकिन कोई भी मतलब हाउसवाइफ्स को ना अपनी किचन से ज़्यादा लगाव होता है, वो किचन को अपना हमेशा क्लीन करती ही रहती हैं। तो मेरा यही है, मेरा हमेशा रूटीन यही चलता है फ्रेंड्स। और देखिए हो गए हैं इतने सारे बर्तन, तो सबको खिला चुकी हूँ, सब कुछ हो चुका है, मैंने भी खा लिया, प्रिसु को भी खिला चुकी हूँ फ्रेंड्स। अब मैं लग गई हूँ बर्तन धोने में, तो ये देखिए अब हो रही है बर्तन की सफाई। तो हमारी जो पहले गैस की है, जो जितनी सारी निकाली है मैंने, वो सब धो करके फ्रेंड्स, और फिर उसके बाद उसे हटा लूँगी, और उसके बाद से सारी लगूँगी, क्योंकि देखिए आज सिंक भरा पड़ा है, थोड़ा ज़्यादा बर्तन हो गया फ्रेंड्स, क्योंकि मेरा आदत है कि मैं जैसे कि कुछ भी बनाती हूँ खाना वगैरह, तो अपना खाली करती हूँ, रखते जाती हूँ, खाली करती हूँ, बर्तन को इधर रखते जाती हूँ, धुलते जाती हूँ, तो वैसे आसानी होती है और काम भी थोड़ा कम पड़ता है, मतलब मेहनत भी थोड़ी कम होती है, पता भी नहीं चलता, काम फिनिश हो जाता है। तो फ्रेंड्स यही होती है हमारी इवनिंग की रूटीन, तो थोड़ी सी थी मैं आप सभी के साथ।